150 पे सिमट गई है भाई सारी टीम। टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला, अश्विन ने खोला पंजा। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हुई थी क्या गलती, उसका थोड़ा कराया एहसास। और दो डेब्यूटांस यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन, शुभमन गिल है 3। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मैं छोटा सा क्रिस्प सा काम कर रहा हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी सिर्फ वेस्ट इंडीज की पारी समाप्त हुई है। आधी मैंने कमेंट्री की थी, उसके बाद घर में एक हेल्थ की इमरजेंसी थी तो इस वजह से कमेंट्री छोड़ी, हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल से रिलीज होकर जब आया हूँ तो अभी सुबह फिर हॉस्पिटल वापस जाना है। तो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ओपिनियन पीस है, इसे हम कोशिश करेंगे विमल कुमार जी वेस्ट इंडीज में वहां से हमें कुछ भेज दें तो एक बढ़िया सी चोपड़ा जी की चौपाल बन जाएगी। अब सिर्फ ओपिनियन सिर्फ तीन ही है इसमें, कि सबसे पहली बात तो यह है कि रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट वो चटकाते हैं, फर्स्ट चेंज बॉलिंग करने आते हैं। जिस तरह की पिचेस हैं, डोमिनिका की, वेस्ट इंडीज की, यहाँ पे पंजाब खोला है, इस श्रृंखला से पहले का मेरा जो प्रेडिक्शन था वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का, प्लेयर ऑफ द सीरीज का प्रेडिक्शन था फॉर रविचंद्रन अश्विन। अभी तो ऑन कोर्स है, ऑन ट्रैक है, अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर बन भी जाएंगे। अब उनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी जो आपको नजर आई, आपको पूरा आपने अगर कल मैच देखा होगा कि एक जगह पे लगातार गेंद डालना। अब कहने को ये काम पहले बहुत आसान हुआ करता था, आजकल लोग ये काम नहीं करते हैं। एक जगह पे गेंद, सिर्फ 3-4 ही स्पिनर हैं जो डाल पाते हैं, जिसमें से एक अश्विन है, दूसरे नेथन लायन है, तीसरे हमें रविंद्र जाडेजा दिखते हैं, चौथा ढूंढने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अश्विन ने राउंड द स्टंप बहुत गेंदबाजी की, सटल वेरिएशन, कैरम बॉल वगैरह नहीं डाल देते पर सटल वेरिएशन, थोड़ा सा ड्रिफ्ट एयर में, थोड़ा बाहर की तरफ आर्म बॉल, थोड़ा सा टर्न, थोड़ा सा फ्लाइट के साथ पहले गेंद को डिप करवाना, ही वॉज इन हिज एलिमेंट्स। और यहीं पर वेस्ट इंडीज के बैटर्स की कर लेते हैं बात की, भाई साहब बहुत बड़ा, इतना बड़ा गल्फ है कि भी काम हाथ छोटे हो गए हैं, स्क्रीन खत्म हो जाती है, वरना गल्फ बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड दी अदर टीम्स और अदर इंडिया, थोड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अब इसमें जो बात एक और निकल कर आती है वो ये कि WTC की चैंपियनशिप और ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन क्या टेस्ट क्रिकेट टीयर्ड होनी चाहिए, टीयर 1 टीयर 2, क्योंकि अगर गल्फ बहुत बड़ा हो दो टीम्स में तो फिर मैच देखने का उतना रोमांच नहीं आता। जो भी आप प्रदर्शन को देखते हैं आप उसको अच्छे से गेज नहीं कर पाते कि यार इसकी वैल्यू क्या है। जस्ट एन ओपिनियन, इस पर बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद जो दो डेब्यूटांट्स हैं वो इंपॉर्टेंट, यशस्वी जायसवाल एज एन ओपनर, क्योंकि शुभमन गिल ने जाके कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को कहा कि मैं 3 नंबर पे खेलना चाहता हूँ, दैट इज वेयर आई थिंक आई डू बेटर। बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये चीज़ हुई है, अमूमन ऐसी चीज़ भारतीय क्रिकेट में सुनने को नहीं आती है जहाँ पर एक खिलाड़ी जाकर ये कह सके यू नो वॉट मुझे वहाँ बैटिंग करना पसंद है, कहना है ना कोई बोलता है ना कोई किसी को उतनी लग्जरी दी जाती है। पर इस निर्णय से मुझे क्या लगता है, ऐसी दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये कि यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए आए हैं तो उनको उनकी अपनी जो प्रेफर्ड स्लॉट है वहाँ मिल जाना बैटिंग अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप मुश्किल काम अगर सोचेंगे तो कहेंगे वो ओपनर का काम, खासतौर से घर के बाहर के मुकाबले। नीचे जितना आप खेलते रहते हैं बैटिंग उतनी आसान होती रहती है व्हेन यू आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नंबर तीन फिर भी थोड़ा मुश्किल, नंबर 4 इज द मोस्ट सेटल्ड पोजीशन। अगर आपकी टीम का सबसे अच्छा बल्लेबाज उसको 4 पे रखो, क्योंकि आप उसको नई बॉल से एक्सपोज नहीं होने देना चाहते, आप ये भी नहीं चाहते कि वो टेल के साथ उसको ज़्यादा बैटिंग करनी पड़े, मतलब बीच में। नंबर 4 इज ब्रिलियंट, पर शुभमन को नंबर 3 आई थिंक आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि अगर आप मेरा वो 2020 का ट्वीट याद हो तब उनका डेब्यू हुआ था कि खेलेंगे बहुत साल इंडिया के लिए, दशक मतलब से भी ज़्यादा खेलेंगे, पर टूवर्ड्स द एंड या 5-7 साल के बाद आप उनको बैटिंग ऑर्डर में नीचे पाएंगे, बतौर ओपनर नहीं पाएंगे। उन्होंने खुद ही ये अपनी जो थी ओपिनियन, इंस्पिरेशन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ओपिनियन या फिर अपनी विश जो है वो उन्होंने जाहिर कर दी, एंड ही इज बैटिंग एट 3। और ओपन कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, मेरे सिंपल सी पॉइंट ये है कि हैव पेशेंस विद यशस्वी एट ओपनर एंड शुभमन एट 3, क्योंकि कुछ समय के बाद के राहुल उपलब्ध होंगे, श्रेयस अय्यर उपलब्ध होंगे, तो फिर ये चॉप एंड चेंज जल्दी ना करें, फिर इसी तरीके से चलने दीजिए। और अगर यशस्वी जायसवाल अच्छा करते हैं बतौर ओपनर इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो फिर हो सकता है कि वो अपना स्टेक क्लेम करना शुरू करेंगे इन द शॉर्टर फॉर्मेट एज वेल। उस चीज के लिए भी सबको तैयार रहना चाहिए, मेक नो मिस्टेक, सो दैट्स समथिंग देयर। ईशान किशन का डेब्यू जो हुआ उससे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आती है कि देखिए ईशान का अगर डेब्यू हो रहा है तो इसका अर्थ है कि भारत के साथ अभी थोड़ा सा दूसरी दिशा में निकल गया भारत। अब क्यों निकला है भारत, आई एम स्लाइटली सरप्राइज,
हाँ, क्योंकि वो मुश्किल पिचेस थी इंडिया के अंदर जहाँ रन कोई नहीं बना रहा था, उन्होंने भी कमी रन बनाए थे और कीपिंग उन्होंने अच्छी की थी। WTC के फाइनल में भी ठीक ठाक चली, कोई बात नहीं। अब उनसे अगर आप मुंह मोड़ लेते हैं, अब ईशान की तरफ चल देते हैं, तो फिर भारत का नंबर तो दोबारा कब आएगा, आई डोंट नो। पर ये भी थोड़ा सा एक बड़ी सोच यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई भारतीय टीम की कि हम ये करना चाहते हैं, हम ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ प्लेयर को ढूंढना चाहते हैं जो उस नंबर पे वैसी बैटिंग करे। ओके, सो हेयर कम्स ईशान किशन। एक बात ये थी कि शार्दुल ठाकुर फर्स्ट टाइम आई थिंक एज अ थर्ड पेसर खेले, वरना हमेशा एज अ फोर्थ पेसर खेलते हैं, एज अ थर्ड पेसर अवे फ्रॉम होम उनको खेलने का मौका मिला, विकेट उन्होंने फिर चटका दी। ही इज अ विकेट टेकर, लॉर्ड ठाकुर है, उनका काम चलता रहता है। एज आई स्पीक इंडिया की बैटिंग शुरू होने वाली होगी, बस हो गई है। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, अभी कोई आउट हुआ नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग है। मैं चलता हूँ विमल कुमार जी के पास। विमल कुमार जी, प्लीज बताइए कि कैसा रहा ये दिन का खेल और आपकी क्या रही ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डोमिनिका। नमस्कार आकाश, और एक बार फिर से आप सभी, आपके जो तमाम दर्शक हैं उन लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ डोमिनिका के विंडसर स्पोर्ट्स पार्क से, जहाँ पर पहले दिन के खेल में उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम रखा। अच्छी बात ये रही कि टीम इंडिया ने भले ही वो टॉस हार गई थी और उसके बाद जो उन्होंने गेंदबाजी की, भले ही तेज़ गेंदबाजी में अनुभव की कमी थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने इतनी शानदार गेंदबाजी की, तीसरे गेंदबाज बने भारत के जिन्होंने 700 इंटरनेशनल विकेट हासिल किए, और चंद्रपॉल, जब चंद्रपॉल जूनियर को उन्होंने आउट किया तो वो भारत के पहले और दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने जिन्होंने बाप बेटे की जोड़ी को आउट किया, तो ये इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड था। लेकिन आकाश, मैं एक जो स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ आपके तमाम दर्शकों को, और जो वो डिटेल में मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हो, वो ये कि यशस्वी जायसवाल के डेब्यू से ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया। यशस्वी क्या करते हैं आगे टेस्ट क्रिकेट में, पूरे मैच में, वो एक अलग बात होगी, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ने यशस्वी को ये कहा कि भाई ये आप भूल जाओ कि आप किसके सामने खेल रहे हो, मैं कप्तान हूँ या राहुल द्रविड़ कोच हैं या कोई सीनियर प्लेयर आपको क्या सलाह दे रहा है, आपको हर कोई सलाह देगा, लेकिन सुननी आपको सुननी सबकी है, करनी आपको है, क्योंकि जब आप 22 गज की पिच के सामने जाते हो तो आप बॉस आप हो, किंग आप हो, आप जो भी करोगे, बोला वहाँ आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और उन्होंने कहा कि अब तक तुमने राजा जैसा खेल दिखाया है और टेस्ट क्रिकेट में भी तुम वही काम करो। मैं गवाह बना था जब रोहित शर्मा ये बातें कर रहे थे, मैं बगल में ही नेट्स में था, तो मुझे सुन के ये बड़ा अच्छा लगा। पूरी डिटेल क्या रोहित ने कहा ये मेरी स्टोरी में है, आपके तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि वो पूरी स्टोरी देखें। फिलहाल आकाश, मेरे साथ आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही है, थोड़ी छोटी है चौपाल क्रिकेट की, क्यों, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी थी, ऑनेस्टली इमरजेंसी में अभी छोड़ के आया हूँ, रात वहीं रहेंगे, सुबह जाकर उनको डिस्चार्ज कराना है। आज के लिए इतना ही।